बॉक्सेस पर इस फ्राइडे आयुष्मान और कृति सनन की बरेली की बर्फी रिलीज हो गई है। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा राजकुमार राव भी मुख्य भूमिका में है। जब फिल्म का ट्रेलर आया था तभी से साफ हो गया था कि ये फिल्म एक लव ट्रायंगल है। तो चलिए जनाब बताते हैं आपको कि इन तीनों की प्रेम कहानी में क्या खास है। बता दें कि ये फिल्म बिट्टी यानी कृति सनन और फिल्म में लेखक बने चिराग दुबे यानी आयुष्मान खुराना के इर्द गिर्द घूमती है। बिट्टी बाकी छोटे शहरों की लड़कियों जैसी नहीं है, वो सिगरेट शराब पीती है, इंग्लिश फिल्में देखती है और ब्रेक डांस की दीवानी है। भले ही फिल्म की कहानी सिंपल हो लेकिन इसे बढ़िया ढंग से पेश किया गया है। फिल्म का डायरेक्शन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही उम्दा है लेकिन फिल्म का धीमा नरेशन उन्हें थोड़ा कमजोर बनाता है और आपको भी असंतुष्ट छोड़ देता है। फिल्म को नीतीश तिवारी ने बड़े ही शानदार तरीके से लिखा है। उन्होंने फिल्म के अंदर छोटी छोटी चीजों का खास ख्याल रखा है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इस फिल्म में आपको भरपूर रोमांस और कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। बात करें फिल्म में स्टार्स की एक्टिंग की तो कृति पर ये किरदार एकदम परफेक्ट बैठा है, उन्होंने शानदार काम किया है। बात करें आयुष्मान की तो उन्होंने भी जबरदस्त एक्टिंग की है लेकिन फिल्म का असली खिलाड़ी बनकर जो सबके सामने आया वो है राजकुमार राव, जिन्होंने फिल्म के सेकंड हाफ में अपनी एक्टिंग से हर किरदार को फीका कर दिया। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आपको हल्की फुल्की ड्रामा फिल्म पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 स्टार दिए हैं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।